एक ही समय पर दो दो भारतीय टीम लेंगी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हिस्सा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का स्क्वाड तो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, वो रहेगा इंग्लैंड में और तैयारी करेगा 5 टेस्ट मैच की श्रृंखला की। और एक बिल्कुल ब्रांड न्यू स्क्वाड, व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट का स्क्वाड जो है वो जाएगा श्रीलंका। कहा जा रहा है कि 3 T20Is और 3 ODIs मुकाबले खेले जाएंगे जुलाई के महीने में, तो जो सारे ODI स्पेशलिस्ट या व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट हैं वो वहां जाएंगे। पर ये क्या कॉम्पोजिशन हो सकती है, कौन से वो 16-17 खिलाड़ी हो सकते हैं, कौन कप्तान हो सकता है, कौन वाइस कप्तान हो सकता है, उसकी आज हम करेंगे बात। और पृथ्वी शॉ, पृथ्वी को आकाश तो बुला रहा है पर ये अपने बारे में कितना जानते हैं, वी शैल ट्राई टू फाइंड दैट आउट। आज उनका जरा KYC करते हैं। और ट्रिविया मेरा ये है कि आखिरी बार इंडिया इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस में या फिर इनफैक्ट आखिरी बार कौन सा ऐसा भारतीय क्रिकेटर था जिसने एक टेस्ट श्रृंखला में 250 रन और 20 से ज्यादा विकेट चटकाए थे। 250 रन और 20 से ज्यादा विकेट, कौन था वो, कब था वो। हैशटैग आकाशवाणी, एक बार फिर आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहने, घर से बाहर निकले तो दो दो मास्क पहने। और क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में जब भी कोई लॉस होता है ना तो फिर ऑफकोर्स दिल थोड़ा सा भर जाता है, ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल पास में ही चोट लगी है। चेतन साकरिया एंड पीयूष चावला बोथ हैव लॉस्ट देयर फादर्स, सो दे आर इन आर मेमोरीज, मे देयर सोल्स रेस्ट इन पीस। हम सब उनके दुख में शरीक हैं। और आप सबके लिए एक और हम सबके लिए एक रिमाइंडर है कि लेट्स स्टे टुगेदर, मतलब एहतियात के साथ साथ इंसानियत जरूरी है, एक दूसरे के साथ रहना जरूरी है। सो दैट्स माय अपील वन मोर टाइम। पर अब जरा चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कि क्रिकेट के मैदान पर कौन से वो 15 खिलाड़ी आजकल 17 होते हैं ना, तो 17 खिलाड़ी कौन हो सकते हैं, कौन कप्तान हो सकता है, जो बड़े यहाँ पे सवाल यही है। क्या पृथ्वी शॉ को आप रखेंगे, देवदत्त पाडिकल को रखेंगे या ऋतुराज को रखेंगे, तो इन तीनों में से क्या आप दो को रख सकते हैं, एक को रख सकते हैं, शिखर धवन तो मतलब आप रखना ही चाहेंगे। फिर आप जब आप स्पिनर की तरफ जाते हैं तो क्या कुलदीप को आप इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं कर पाएंगे, फिर कप्तान वाइज कप्तान कौन होगा, और आखिरी में लास्ट बट नॉट द लीस्ट फास्ट बॉलर्स कि आप किसको पिक करेंगे और किसको छोड़ देंगे। सो दोज आर द क्वेश्चन कि भाई आप क्या वरुण चक्रवर्ती को रखेंगे स्पिन डिपार्टमेंट में, अगर आप वरुण चक्रवर्ती की चोट की बात करें, बाकी फास्ट बॉलर्स की अवेलेबिलिटी की बात करें, क्या खलील और जयदेव उनादकट को मौका मिल सकता है। सी आई हैव पिक्ड माय टीम, कमेंट सेक्शन में आप अपनी टीम पिक कीजिए कि कौन से वो 16-17 खिलाड़ी हो सकते हैं, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल्स के चलते आजकल आप 15-16 से ज्यादा ही लेके जाते हैं, क्योंकि बबल को आप एग्जिट कर सकते हैं पर बबल में कोई आ नहीं सकता, क्योंकि जो आएगा वो 14 दिन का क्वारंटीन करेगा, बाय दैट टाइम सीरीज जो है वो खत्म हो जाती है। सो मैंने जो टीम पिक किया उस मैंने धवन को कप्तान बनाया, शिखर धवन इज माय कैप्टन। पृथ्वी शॉ को मैंने पिक किया यार, पृथ्वी शॉ का अभी तक जो हुआ आप उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, जिस तरीके की वो बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरीके की वो फॉर्म में और जो उनके पास का अबिलिटी और कैलिबर है, आई एम पिकिंग हिम अहेड ऑफ देवदत्त पाडिकल एंड ऋतुराज गायकवाड़, उन दोनों से पहले मैंने उनको पिक किया है। तो जो दिल्ली कैपिटल के ओपनर्स थे उन्हीं दोनों ओपनर्स को मैंने अपनी टीम में जगह दी है। अय्यर को रखा है मैंने नंबर 3 पर, श्रेयस अय्यर पर, वही श्रेयस अय्यर का सवाल है क्या वो फिट है, अवेलेबल है, लैंकेशायर जा रहे हैं वैसे मैंने सुना है वो काउंटी खेलने के लिए, लेकिन अगर यहाँ फिट नहीं है या अवेलेबल नहीं है तो फिर उनकी जगह पर आप ऋतुराज और देवदत्त पाडिकल में से किसी एक को पिक कर सकते हैं। बट देन नॉट एज एन ओपनर। एट 4 आई गॉट स्काई, सूर्य कुमार यादव 100% टीम का मेरे भी हिस्सा है, आपके भी होंगे, ईशान किशन मेरी टीम का हिस्सा है, चाहे मुंबई इंडियंस उनको ड्रॉप कर रही हो भैया, लेकिन मैंने तो अपनी टीम में उनको जगह दी है। तो ईशान किशन है। हार्दिक पंड्या को मैंने वाइस कैप्टन बनाया, क्योंकि हार्दिक पंड्या अभी टेस्ट नहीं खेल रहे हैं, बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, पर इस टीम के वाइस कैप्टन मेरे विचार में वो होने चाहिए। उनका बड़ा भाई भी टीम में होना चाहिए, क्यों, क्योंकि पिछली बार जब इंग्लैंड के खिलाफ ODIs हो रहे थे तो ये तो खेल रहे थे ना। सो हार्दिक पंड्या, कृणाल पंड्या और यूजी चहल तो मतलब 11 में खेलने चाहिए ना, कृणाल और यूजी आप दोनों को 11 में खिला सकते हैं। दीपक चहर और भुवनेश्वर कुमार, अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक वो कहता हूँ कॉम्बिनेशन रहेगा कि दोनों को इकट्ठे खेलते देखिए, दोनों स्विंग अच्छी कराते हैं, दोनों नई बॉल से विकेट लेने की काबिलियत रखते हैं, और टैंडम में अगर बॉलिंग करेंगे तो हो सकता है वो जो इंडिया के फास्ट रादर न्यू बॉलिंग बॉल के न्यू बॉल के जो वोज हैं इन द पावर प्ले ओवर्स वो शायद सॉर्ट आउट हो जाए, शायद वहां पर आपको विकेट्स मिल जाए। नवदीप सैनी इंडियन टीम ने नहीं खिलाया, RCB ने भी नहीं खिलाया, पर मैं तो रखूंगा भैया अपनी टीम में, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूटी जरूरी है यार, अभी ऑस्ट्रेलिया आप लेके गए, आपने उनको टेस्ट क्रिकेट खिलाई, मैं तो अपनी टीम में उनको जरूर रखूंगा। और उनके बाद टी नटराजन, अगर वो फिट हैं तो, अगर वो नहीं है तो खलील और जयदेव में से किसी एक को आप रख सकते हैं, क्योंकि इट्स अबाउट टाइम कि आप उनमें से भी किसी एक को मौका दोबारा दें। देन आई हैव गॉट राहुल चाहर 100%, वरुण चक्रवर्ती अगर फिट हैं तो यस, नहीं है तो कुलदीप, और कुलदीप क्यों, क्योंकि कुलदीप या तो फिर BCCI उनको काउंटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिला दे, आई थिंक दैट विल द बेस्ट थिंग टू डू, लेकिन अगर वो नहीं होता है तो आई विल हैव हिम इन माय साइड, क्योंकि इतना अच्छा खिलाड़ी है यार, मतलब उनको बिल्कुल वो कहते ना कि वो
बिल्कुल दूर में ठंडे बस्ते में उनको मत रखिए, प्लीज कोल्ड स्टोरेज में आप उनको मत रखिए, उनको आप साथ दीजिए, उनका साथ दीजिए, उनको साथ रखिए, ही इज अ क्वालिटी प्लेयर, सो वी नीड टू नर्चर हिम। समय थोड़ा खराब है इसलिए आपको उनके, या कहें आपको उनको साथ देने की जरूरत है। संजू सैमसन, दीपक हुडा, दो टैलेंटेड होनहार खिलाड़ी, और फिर प्रसिद्ध कृष्णा, ये मेरी आखिरी चॉइस रही है। तो धवन कैप्टन, शॉ, अय्यर, स्काई, ईशान किशन, हार्दिक वाइस कैप्टन, बड़ा भाई कृणाल, यूजी, दीपक, भूवी, सैनी, नटराजन स्लैश खलील और जयदेव, राहुल चार, वरुण चक्रवर्ती स्लैश कुलदीप यादव, देन सैमसन, दीपक हुडा, प्रसिद्ध कृष्णा। दिस इज माय 17। आपकी 17 क्या है प्लीज बताइएगा, कि एक ही दिन में दो भारतीय टीम जब खेलेंगी तो दूसरी टीम भी वैसे बाय द वे एकदम बढ़िया लग रही है, ये भी अच्छा करेगी ऐसा मुझे प्रतीत होता है। बदन, अब जरा पृथ्वी शॉ से मुलाकात कराता हूँ आपकी। KYC, नो योर क्रिकेटर, मतलब उनको अपने बारे में कितना पता है, लेट्स ट्राई एंड फाइंड दैट। पृथ्वी को आकाश बुला रहा है, ऐसा मैं कमेंट्री भी जब कहता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि द पृथ्वी शो सबको देखने में मजा आता है। माय मैन नीड्स नो इंट्रोडक्शन, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर पृथ्वी। नाउ विल मूव टू KYC, व्हिच इज बेसिकली नो योर क्रिकेटर। द क्वेश्चन इज कि आपको आपके बारे में कितना पता है, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू आस्क यू पृथ्वी। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर टेस्ट डेब्यू। आपका जो टेस्ट डेब्यू था उसमें आपने 134 रन बनाए थे, 134 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज एट राजकोट। यू बिकेम द सेकंड यंगेस्ट इंडियन टू स्कोर अ सेंचुरी इन टेस्ट मैच क्रिकेट After Sachin Tendulkar, आपने ना किसी को डिस्प्लेस किया था, सचिन, somebody else, but now you became second, तो थर्ड पे कौन खिसक गया अभी उससे पहले, आपसे पहले नंबर दो पे कौन था? नंबर दो पे सौरभ सर थे? नहीं, he scored a century on debut, लेकिन सौरभ एज में आपसे काफी बड़े थे, एज वाइज पूछ रहा हूँ, एज में कौन? वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने भी बनाए थे। नहीं याद आएगा, कपिल पाजी 126 नॉट आउट इन व्हेन ही वाज 20 इयर्स ओल्ड, ही वाज अ फिनोमिनल प्लेयर। हु इज बीइंग योर क्रिकेट आइडल बाय द वे, जब बड़े हो थे बचपन में? सचिन पाजी। ओके, अब मेरा दूसरा सवाल है, आपका पहला कैच इन इंटरनेशनल क्रिकेट वो किसका था? ब्रैडफोर्ड का। फैंटास्टिक, किसकी बॉल पे? एश के बॉल पे। Fantastic, fantastic. So, standing at short leg पे था catch, you remember? So, are you natural short leg fielder या फिर वही गरीब मार है कि सबसे छोटा बच्चा है, first match short leg? तो जब टेस्ट कैप दिया था तभी पुजारा ने और KL ने मुझे साथ में हेलमेट गार्ड और शिन पैड्स दिए थे, क्योंकि वो लोग को छुट्टी मिल गई थी वो टाइम पे। Your first ODI, your ODI debut, you played a maiden over, which is unthinkable. पर बॉलर कौन था? उसमें श्रेयस ने 100 बनाया था ना? आपने अपने डेब्यू पे 20 बनाए थे, 20 of 21 बॉल्स, यू हिट 3 boundaries इन दैट ODI गेम। किस बॉलर को 3 चौके मारे थे? तेज डालता था, पैर पे भी डाली होगी, ऐसे करके मारा होगा, एकदम पक्का। नाम भूल गया मैं। हैमिश बेनेट। बेनेट, हाँ। बेनेट तेज डालता है एक्चुअली। ओके, योर फर्स्ट ODI सेंचुरी वो जो यूथ क्रिकेट की अंडर 19 में, इट केम अगेंस्ट इंग्लैंड एंड मुंबई, ठीक है? दिस वाज फरवरी 2017। यू स्कोर 105 रन्स एंड शेयर्ड अ बिग पार्टनरशिप विद शुभमन। What was your team score after 50 overs? अरे वो मैच तो बहुत मारा था हम लोगों ने। बहुत मारा था तुम लोगों ने। उसने शुभमन और तेरी पार्टनरशिप 231 रन की, 231। टोटल क्या था लेकिन? 392। Not bad. 382. अच्छा, you scored your first IPL 15 your second game versus KKR. Who did you hit your first six in the IPL? पहला छक्का किसको मारा था? पहला छक्का I think Russell को? Mitchell Johnson, ऐसे करके flick करके वो छक्का। Mitchell Johnson। उसके पहले? ओ हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, Mitchell Johnson। वो 2019 में Russell, करेक्ट करेक्ट। हाँ, ये second IPL game। Okay, a bowler had conceded, ध्यान से सुनियो, a bowler had conceded just 59 runs of 62 balls in IPL 2018 till he ran into you. You smashed him for 6 and 3 boundaries of consecutive deliveries in an over that went for 20 runs.
कौन सा बोलर था, कौन सी ऑपोजिशन थी, कुछ आइडिया? ओवर में कितना? एक ओवर में 20 रन, छक्का, 4-4-4। ये कौन से साल की बात है? 2018। चल इजी कर देता हूँ। हैदराबाद। हैदराबाद छक्का। ओ भूवी भाई। नहीं सिद्धार्थ कौल। नहीं सिद्धार्थ कौल। भूवी भाई को, अच्छा हाँ सिद्धार्थ कौल। सिद्ध कौल 2018। करेक्ट। अच्छा, योर हाईएस्ट आईपीएल स्कोर केम अगेंस्ट केकेआर इन 2019 व्हेन यू स्कोर 99 ऑफ 55। व्हाट वाज द इक्वेशन टू विन व्हेन यू गॉट आउट? कितने रन, कितनी बॉलें चाहिए थी जब जीतने के करीब थे आप? 15 रन को चाहिए रहेगा, और 15-18 रन कुछ 12 बॉल में। और क्या हुआ था मैच में? मैच तो टाई हो गया पर फिर जीत गए थे ना, जीत गए थे, रबाडा ने जिताया था। You scored 3 ducks. This is the last question, sad question, but you scored 3 ducks in the IPL 2020. Who were they against? Kis teams ke against? Rajasthan. Dusra. MI. MI. Bold. And I think Rajasthan again. Oh no. Chennai Super Kings. Cotton Chennai. Bold. Deepak Chahar. Oh. Cotton Bold hua tha? Acha. Ho gaya hoga, koi nahi. It's okay. ये जीरो जीरो ज्यादा याद नहीं रखने चाहिए। चल थैंक यू सो मच पृथ्वी, हैव अ ग्रेट आईपीएल माय फ्रेंड। इस बार मैंने प्रिडिक्ट किया कि तेरा ना स्ट्राइक रेट अमंगस्ट ऑल दी ओपनर सबसे अच्छा रहने वाला है। लेट्स सी क्या होता है, लेट्स सी क्या होता है। अभी तो बहुत सारे आकाशवाणी, देखो पता नहीं मैं कह तो रहा हूँ, देखो लेट्स सी क्या होता है। बट ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दिस यार। थैंक यू सो मच। थैंक्स, टेक केयर ब्रदर, टेक केयर, बाय बाय। थैंक्स। चलिए अब ये आज का मेरा ट्रिविया था कि कौन सा आखिरी भारतीय क्रिकेटर है जिसने एक सीरीज में 20 विकेट और 250 रन से ज्यादा बनाए हो। द गाइज रविचंद्रन अश्विन वर्सेज इंग्लैंड 2016-17, 306 रन और 28 विकेट। रन अवे मैच विनर है हमारे अश्विन साहब। तो ये उस आखिरी भारतीय हैं जिन्होंने ये मकाम पाया है। अगर वो ऐसा कुछ रेप्लीकेट कर दे भैया इंग्लैंड में, इस बार 5 मैच की श्रृंखला है, काफी मैचेस होंगे, काफी मौके मिलेंगे, तो इंडिया विल बी इन अ ग्रेट पोजीशन। पर आखिरी बार जब ये हुआ था 2016-17 का वो सीजन था जहां पर एक ही श्रृंखला में 306 रन और 28 विकेट्स, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। सो वेल डन रविचंद्रन अश्विन, आज के लिए इतना ही। आकाशवाणी पे कल फिर मिलेंगे, कल कुछ और गुफ्तगू करेंगे। कह रहे हैं कि भाई एक तो इंग्लैंड के खिलाड़ी नहीं मिलेंगे अब आपको अगर आईपीएल होगी तो, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, दैट विल बी अ बिट ऑफ अ बमर। अब किस टीम को कितना नुकसान होगा, कौन सी टीम थोड़ी स्लाइटली बेटर प्लेस्ड है उसकी बात भी करनी है, बाकी टीम्स का रिव्यू भी करना है। देयर इज अ लॉट दैट्स हैपनिंग ऑन हैशटैग आकाशवाणी। पर आज के लिए इतना ही, जाते जाते आपकी शॉट्स, मेरी आकाशवाणी। मेकशिफ्ट सी पिच है, ठिकाने पे नहीं गिरी गेंद, मिट्टी भी उड़ी और गेंद को ठिकाने भी लगाया। जरा स्टंप्स पे भी रखना नजर मेरे दोस्त, खिलाड़ी ये शेर है।